देखिए, सेकंड टर्म हम शुरू करने वाले हैं हिंदी की, और हिंदी के सेकंड टर्म में हम आरोह का जो हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनको हम स्टडी करने वाले हैं अब। और देखिएगा, थोड़े से शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आपको लिखना होगा तो लिखते तो सब हैं, आंसर तो सभी लिखेंगे, लेकिन आप ऐसा क्या विशेष लिखेंगे कि आपको ज़्यादा नंबर मिले? तो उस बात का आपको ध्यान रखना है कि शब्द जिस तरह से एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, आपको उन्हीं शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाना है, और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। लेक्चर देखने के बाद आपको बार बार लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी एनसीईआरटी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, आपको आसानी होगी। चैप्टर आसान है, कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर्स आपके पास हैं और अभी हम उनको शुरू करने वाले हैं। देखिए, जो पहला चैप्टर हमारे पास है वो है काले मेघा पानी दे, और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती जी, और इसकी विधा जो है वो संस्मरण है। देखिएगा, विधा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर लिखते समय बहुत बार ऐसा होता है कि धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित ये संस्मरण काले मेघा पानी दे, वहां आपने इस शब्द का प्रयोग अगर किया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो ये क्वेश्चन पूछा जाता कि इस चैप्टर का नाम देकर के कि किसकी विधा क्या है, साहित्य की कौन सी विधा है, ये संस्मरण है, ये कहानी है, या ये रिपोर्टाज है, या क्या है। लेकिन अब अगर आपने शब्दों को सही तरीके से प्रयोग करना सीख लिया तो आप अपने अंक जो है बहुत ज्यादा बढ़े हुए मानिए। धर्मवीर भारती जी का ये चैप्टर है काले मेघा पानी दे, उनके द्वारा लिखा गया संस्मरण। देखिएगा, संस्मरण का मतलब होता है कि लेखक के जीवन में घटी हुई घटना है और उसको स्मरण करते हुए, याद करते हुए, और वो यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए, काले मेघा पानी दे में हमारे पास जो चीज़ है वो एक्चुअल में क्या है? देखिएगा, विज्ञान, एक तरफ विज्ञान है और एक तरफ है सामाजिक विश्वास, जिसको लेखक ने यहां पर अंधविश्वास भी कहा है। हालांकि इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद आप इन अंधविश्वासों के पीछे दिए जाने वाले तर्कों को भी पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि आखिर ये चैप्टर में क्या पूरा का पूरा है। देखिए, चैप्टर जिस तरह से चलता है, थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू देखते हैं कि लेखक जो है ग्रामीण समाज से है और जो है बारिश वहां पर नहीं हुई है। देखिए, ग्रामीण समाज में जो खेती पर मुख्यतः निर्भर करते हैं लोग, और खेती मानसून पर, बारिश पर निर्भर करती है। तो क्या होता है कि बारिश नहीं हो रही है, और जब बारिश नहीं होती है तो लोग इंतजार करते हैं, कुछ इंतजार करते हैं, और फिर एक बड़ी अच्छी लाइन इन्होंने लिखी कि सभी वैज्ञानिक उपाय कर लेने के बाद यदि फिर भी उस समस्या का समाधान नहीं होता है तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज कोई ना कोई जो है जुगाड़ निकाल लेता है। तो इनका विश्वास है, इस गांव का यानी कि उस क्षेत्र का जहां पर रहते हैं, इंदर सेना, बारिश ना हो तो उनका विश्वास है कि एक इंदर सेना, इंदर सेना जो है बच्चों की एक टोली है। सेना मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लड़ाई लड़ने के लिए चले गए, नहीं, ये जो है 11-12 से लेकर के 16-18 साल तक के बच्चे जो हैं, इनका एक ग्रुप है एक तरीके से, और लोगों का विश्वास है कि जब बारिश नहीं होती है तो इंद्र सेना निकलती है, गलियों में से इंद्र सेना निकलती है, और अगर आप उन पर पानी डालते हैं तो बारिश होने की संभावना बन जाती है। हम इस चैप्टर को देखते हैं। देखिए, चैप्टर की शुरुआत ही लेखक ने बड़े अच्छे और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने की कि इंदर सेना के दो नाम थे, इंदर सेना के दो नाम थे, एक इंदर सेना और एक था मेंढक मंडली, मेंढक मंडली। देखिएगा, दोनों ही अपोजिट हैं एक तरीके से। एक तरफ इंदर सेना इन्हें क्यों कहा जाता था? क्योंकि बारिश जो है भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में भगवान इंद्र जो हैं उनको बारिश का देवता माना जाता है, बादलों के स्वामी उनको माना जाता है कि वही जो है उन्हीं को प्रसन्न करके बारिश की जा सकती है।
तो वो कहते हैं कि भगवान इंद्र बादलों के स्वामी है और इंद्र की ये सेना है। और देखिएगा, इंद्र का जो इस तरह से लिखा जाना चाहिए शुद्ध रूप, यहां पर इंद्र सेना लिखा गया है। तो क्या आप ये देखें कि देहाती भाषा का प्रयोग यहां पर किया गया है, आम जन की भाषा का प्रयोग यहां पर किया गया है। जिस तरह से लोग बोलते, किसी का नाम आपके गांव में आप देखें, अपने आस पड़ोस में देखें, अगर उसका नाम इंद्र है तो बहुत कम चांसेस है कि उसको इंद्र बोला जाएगा, अन्यथा उसको ज्यादातर इंदर बोलते हैं। तो खड़ी बोली का भी प्रयोग यहां पर इन्होंने किया है। तो ये जो इंद्र सेना है, इस पर विश्वास है कि भाई इन पे पानी डालेंगे तो ये भगवान इंद्र की सेना है, भगवान इंद्र हमें जो है बारिश के रूप में वो चीज वापस लौटा देंगे। अब जब ये लोग निकलते हैं बाहर, उछल कूद करते हुए निकलते हैं, इनके ऊपर पानी डाला जाता है तो कीचड़ वगैरह हो जाता है, शोर शराबा हो जाता है, और इनके कीचड़ का जो कीचड़ हो जाता है, इनके शोर शराबे से जो लोग परेशान हो जाते हैं वो लोग इनको मेंढक मंडली कहते हैं, को गालियां भी देते हैं। देखिए बहुत, अगर आपकी गली में, आपके मोहल्ले में कोई बदमाश बच्चे अगर आप देखें इधर उधर घूम रहे हैं, हर जगह शोर शराबा करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो उनको उनसे बहुत परेशान होते हैं, उनसे बहुत चिढ़ा हुआ महसूस करते हैं, कहता ऐसे ही हैं, आवारा हैं, लफंगे हैं। तो इस तरह की बात है कि ये लोग इनको मेंढक मंडली कहते हैं। और जिन लोगों का विश्वास है कि हाँ इन पर पानी डालने से हमें बारिश की प्राप्ति होगी यानी कि वर्षा होगी, वो लोग इसे इंद्र सेना मानते हैं। देखिए अब क्या होता है कि बारिश नहीं हो रही है, इंद्र सेना निकलती है, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। ये क्वेश्चन बनता है कि गंगा की जय क्यों बोला जाता है। देखिए गंगा जो है उसको बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है भारतीय संस्कृति में, माँ के समान उसको दर्जा दिया गया है, कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को जो है भूखा प्यासा नहीं देख सकती, ऐसे ही जो है गंगा अपने तट पर बसे हुए जो लोग हैं उनकी भूख प्यास का निवारण करती है, उनको पानी प्रदान करती है। तो इंद्र सेना निकलती है, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, इस तरह के वो जो है गीत गाते हुए निकलते हैं, गलियों में जाते हैं लोग। देखिएगा आप लोगों का विश्वास देखिए, विज्ञान क्या कह रहा है, अगर आप इस तरफ से देखें तो भाई अगर पानी की कमी है तो पानी को बचाया जाए, लेकिन सामाजिक विश्वास ये कहता है कि इंद्र सेना पर पानी डाला जाएगा तो जरूर बारिश होगी। इसलिए लोग अपने घरों पे जो उन्होंने बचा करके जो पानी रखा है, संजो करके जो पानी रखा है, वो भी अपने घरों की छत से और इनके ऊपर डाल देते हैं गली में, और ये नाचते कूदते आगे निकल जाते हैं। लेखक को भी इस चीज़ में बड़ा आपत्ति होती है, धर्मवीर भारती जी भी इनको मेंढक मंडली ही समझते हैं। धर्मवीर भारती जी का जो झुकाव है वो विज्ञान की तरफ है, क्योंकि बचपन से ही आर्य समाज इनके संस्कार रहे, साथ ही साथ एक कुमार सुधार सभा बनी, और कुमार सभा, ये जो सुधार सभा है इसके उपमंत्री बना दिया गया किसे, धर्मवीर भारती जी को। तो ये जो है धार्मिक अंधविश्वासों को, लोगों के अंधविश्वासों को जो है तोड़ना चाहते हैं, इनकी एक एक दिली ख्वाहिश बन गई है कि मुझे मौका मिले और मैं अंधविश्वासों के खिलाफ बोलूं, मैं लोगों को जो है इसके प्रति जागरूक करूं। ये कहते हैं कि यार ये सब अंधविश्वासों की वजह से ही हम अंग्रेजों के गुलाम थे, और भी बहुत सी सारी बातें कहते हैं। धर्मवीर भारती जी का ये मानना है कि पानी की कमी है तो इसके ऊपर पानी क्यों डाल रहे हो, पहला तर्क, तो पानी की बर्बादी है, निर्मम बर्बादी है। दूसरा वो कहते हैं कि अगर ये इंद्र की सेना है तो ये खुद के लिए भगवान इंद्र से ही पानी मांग ले कि महाराज हम आपकी सेना, हमारे ऊपर से पानी बरसा दीजिए, ये लोगों से पानी क्यों ले रहे हैं, इस तरह के उनके तर्क हैं। अब एक और पात्र इसमें आता है हमारे सामने, और वो है धर्मवीर भारती यानी लेखक की जीजी। उम्र में इनकी माँ से भी बड़ी हैं, लेकिन उनका स्नेह जो है, वो उनका ममत्व, उनकी ममता जो है वो धर्मवीर भारती जी के लिए है, उसे अपने बच्चे की तरह रखती हैं, अपने बेटे बहुओं से उनका इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है लगाव जितना धर्मवीर भारती जी से। धर्मवीर भारती जी भी इनको कहते हैं कि ये सब बहुत गलत है, लेकिन ये जो हैं ये सामाजिक विश्वास हों, जिनको अंधविश्वास भी कहा गया, उनमें बहुत ज़्यादा अपना वो रखती हैं, विश्वास रखती हैं, वो सभी काम जो होते हैं, कर्मकांड होते हैं, उन सभी में धर्मवीर भारती जी के हाथों से वो काम करवाती हैं ताकि उन्हें ही पुण्य मिले। लेकिन जब बारी आई इंद्र सेना पर पानी डालने की तो धर्मवीर भारती जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा
कि मैं इस मेंढक मंडली पर पानी नहीं डालूंगा। इस पर इनकी जीजी ने इनको समझाया कि ऐसा नहीं करते, लेकिन ये अड़ गए कि ना मैं नहीं डालूंगा। तो इनकी जीजी ने खुद वृद्धावस्था में भी वो पानी उठा करके लाती हैं, इनके ऊपर डालती हैं, नाराज भी होते हैं धर्मवीर भारती जी इस चीज़ से। फिर इनके बीच में संवाद होता है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उनसे कहती हैं कि देखिए अंधविश्वास आप इसको कह रहे हैं, लेकिन वो इनको कुछ तर्क देती हैं कि ये विश्वास सही है। उनका पहला तर्क था कि जिसको आप पानी की बर्बादी समझ रहे हैं वो पानी का अर्घ है, उसे पानी का अर्घ, कि ये पानी का अर्घ देना है। इस पर लेखक जो है कहते हैं ये कोई बात होती है? उन्होंने कहा हाँ भाई कुछ तो पहले देखिए, उन्होंने कहा कि जिस तरह से पानी हम चढ़ाते हैं सूर्य को, इस तरह से ही। और उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि आपको त्याग करना पड़ेगा, पहले दान देना पड़ेगा आपको, तभी तो कुछ मिलेगा। फिर लेखक कहते हैं कि ना आप ऋषि मुनियों को तो बदनाम कर रही हैं, ये क्या मतलब हुआ कि आपके पास पीने का पानी नहीं है और आप उसको व्यर्थ कर दें। लेकिन वो उसको समझाती हैं कि त्याग की परिभाषा वो उनको समझाती, देखिएगा त्याग की परिभाषा वो उनको समझाती कि मान लीजिए आपके पास करोड़ों रुपए हैं और उसमें से दो चार रुपए आपने किसी को दे दिए, तो वो त्याग नहीं है, वो दान नहीं है। दान तब माना जाएगा जब त्याग किया हो, और त्याग का अर्थ जो है वो है कि कोई ऐसी चीज जो आपके पास भी कम है, आपको उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन फिर भी आप उसको जो है जनहित में, लोगों के हित में आप उस चीज़ को न्योछावर कर दें, वो त्याग है। लेखक हालांकि समझ रहे हैं कि अब उनके जो तर्क हैं वो कहीं ना कहीं जीजी के तर्कों के आगे छोटे पड़ रहे हैं। किलापस्थ होना एक वो भी आया है इसमें मुहावरा भी, कि उनके तर्कों का किलापस्थ होने लगा, यानी कि अब उन्हें पता चलने लगा, धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उनके तर्क जो है वो खंडित होते जा रहे हैं, वो टूटते जा रहे हैं इनके सामने। अब भी वो नहीं माने तो उन्होंने एक और तर्क दिया, और वो तर्क क्या था देखिएगा। उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से एक किसान को ले लें, अगर किसान एक अच्छा गेहूं उगाना चाहता है तो पहले बुआई के समय जब वो बोता है उस फसल को, तब वो क्या करता है, वो पाँच छः किलो जो है अच्छा गेहूं ला करके और वहाँ पर डालता है। तो जिस तरह से वो गेहूं की बुआई है उसी तरह ये भी पानी की बुआई है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे हैं ये कौन से तर्क उन्होंने दिए। ये क्वेश्चन जरूर आएगा अगर इस चैप्टर से पूछा जाता है तो, इस चैप्टर से क्वेश्चन या तो ये बनेगा कि किस प्रकार से ये जो काले मेघा पानी दे पाठ है वो विज्ञान और सामाजिक विश्वासों के बीच में द्वंद्व को प्रतिपादित करता है, या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन से तर्क थे जिनकी वजह से लेखक के तर्कों का जो है किलापस्थ होने लगा, या जीजी ने लेखक को समझाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो उन्होंने कहा ये पानी की बुआई है, जब सब गांव गली मोहल्ले शहर पानी इन पर डालेंगे तो भगवान जो है आपको वापस लौटाएंगे, देवता जो है वापस लौटाएंगे। यहां पर उन्होंने ऋषि मुनियों का जो है एक और एग्जाम्पल जोड़ दिया। उन्होंने कहा ऋषियों ने भी तो यही कहा है कि आप जितना देंगे देवता उसका आठ गुना जो है करके, चौगुना आठ गुना करके आपको एट टाइम्स इंक्रीज करके आपको चीजें वापस देंगे, ये उनके विश्वास थे। साथ ही साथ उन्होंने एक और लाइन बोली कि यथा प्रजा तथा राजा, दो पंक्तियां हैं ये एक तरीके से, यथा राजा तथा प्रजा होता है, जैसा राजा वैसी उसकी प्रजा। अगर राजा करप्ट है तो प्रजा भी अपने आप करप्ट हो जाएगी, अगर राजा जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो प्रजा भी धीरे धीरे धार्मिक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह यथा राजा तथा प्रजा होता है उसी तरह से यथा प्रजा तथा राजा भी होता है, कि पहले जरूरी थोड़ी है कि देवता ही हमें दें, भगवान ही बारिश करें, कभी कभी हमें भी तो करना पड़ सकता है उस चीज का। तो ये तीन चार तर्क जो उन्होंने दिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर में जो इस पैराग्राफ लास्ट जो हमारे पास आता है पैराग्राफ, उसमें ये बात दिखाई गई कि समाज इस एग्जाम्पल को जोड़ा गया और कहा गया कि आज भी जो है
काले मेघ आते हैं, बारिश होती है, गगरी फूटी रह जाती है, बैल प्यासा रह जाता है। मतलब सरकारें बहुत बड़े बड़े प्लान्स लाती हैं, पॉलिसीज लाती हैं, लेकिन बीच में ही कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जो वहाँ पर भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें आ जाती हैं और आम जनमानस तक उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं पहुँच पाता है। आम जनमानस को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता है, वो हमेशा दबे कुचले और उनका शोषण किया जाता है। इस तरह की इस बात इस चैप्टर में दिखाया गया। बहुत आसान, बहुत सरल पाठ ये हम कहेंगे इसको, कि बहुत जल्दी और बहुत छोटा सा ही था। इस बात को याद रखिएगा कि इंदर सेना मेंढक मंडली छोटे प्रश्नों में बन सकता है, बड़े प्रश्न इस चैप्टर से आने की संभावना विज्ञान वर्सेस सामाजिक विश्वास है। दूसरा कि लेखक को क्या क्या तर्क दिए गए। अब हम हमारा दूसरा चैप्टर देखते हैं और जो चैप्टर है पहलवान की ढोलक। देखिए अब जो सेकंड चैप्टर हमारे पास है वो है पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक और ये रचित है फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा और इसकी विधा है कहानी। कहानी इसकी विधा है। देखिएगा इस चैप्टर में जो दिखाया गया है वो मेन बात ये है कि सत्ता का जब परिवर्तन होता है, याद रखिएगा रेणु, सबसे पहले आप देख लें कि रेणु में छोटी मात्रा आती है। आप जरूर अगर मान लीजिए आपने लिखा कि पहलवान की ढोलक या फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित कहानी पहलवान की ढोलक में इस तरह से कोई लाइन आई, आप रेणु में छोटा की जगह बड़ा कर देंगे रेणु, क्योंकि आप पढ़ के देखेंगे उस टाइम पर रेणु हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, तो जो है आपको छोटी इसमें ऊ की मात्रा का प्रयोग करना है। देखिएगा इसमें क्या है, एक्चुअली में क्या है, ये एक तरीके से जो है मॉडर्न वर्सेस ट्रेडिशनल अप्रोच को भी शो करता है। ये इंडिया वर्सेस भारत की अप्रोच को शो करता है। चैप्टर में अब समझेंगे हम, ये कहानी है इंडिया के भारत पर छा जाने की, यानी कि इंडिया यहां प्रतिनिधित्व करता है किस शब्द का, मॉडर्न, और भारत प्रतिनिधित्व करता है ट्रेडिशनल। इस चैप्टर में हम देखेंगे और देखिएगा वो कहते हैं कि किस तरह से जो व्यवस्था है या आप सत्ता देख लीजिए कि सत्ता के परिवर्तन से किस तरह से कला और कलाकार पर क्या प्रभाव उसका पड़ता है, उस चीज की बात यहां पर की गई। लुट्टन सिंह के बारे में एक चैप्टर है, बड़ा बड़ा अच्छा चैप्टर है। देखिएगा अब हम एक शुरू करते हैं इस चैप्टर को और हमारे पास इसमें जो मुख्य पात्र है, प्रोटैगनिस्ट है, वो है लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह 9 वर्ष की उम्र में ही लुट्टन सिंह के माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। फिर एक लाइन आती है कि इसकी शादी हो चुकी थी अन्यथा यह भी अपने माता पिता का अनुसरण करता। यह लाइन बहुत कंफ्यूजिंग है अगर आपने सही से पहली लाइन को नहीं पढ़ा। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, यदि लुट्टन सिंह का विवाह नहीं हुआ होता तो वह भी अपने माता पिता का अनुसरण करता। अनुसरण यानी कि उनके अनुसार कार्य करता, उनका जो है उन्हीं के पीछे उसी पथ पर चलता, अर्थात लुट्टन सिंह की भी मृत्यु हो जाती। इसकी जो है शादी हो चुकी थी 9 वर्ष की आयु में ही, तो कहीं ना कहीं उस समय की सामाजिक रूढ़िवादिता को भी दिखाया जाता है कि हाँ उस समय बाल विवाह हो जाते थे। इसकी सास जो है, अब इनकी सास विधवा थी तो इनकी सास के पास ये रहे। इनकी सास के साथ समाज ने बहुत जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया। समाज में स्त्रियों की जो है स्थिति को भी ये चैप्टर दर्शा रहा है कि उनकी सास जो है लुट्टन सिंह की जी, इनकी सास के साथ लोगों का व्यवहार बहुत खराब रहता था और लुट्टन सिंह उनसे बदला लेना चाहता था कि ये लोग कैसे ऐसे बोल रहे हैं। तो लुट्टन शुरू से ही मेहनत करता था। लुट्टन उस समय में पढ़ाई लिखाई का इतना ज़माना नहीं था, ढोर डंगर चराना, ठीक है अच्छे से दूध पीना, अच्छा खाना खाना, कसरत करना। लुट्टन सिंह ने कसरत शुरू की थी, अपनी सास को ताना देने वाले लोगों से, उनको परेशान करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए। धीरे धीरे लुट्टन सिंह कुश्ती की तरफ जो है
प्रेरित होते हैं, इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, कुश्ती ये शुरू करते हैं। लुट्टन सिंह क्या हुआ कि एक बार एक नगर में मेला देखने गए और उस नगर का नाम था श्याम नगर, और इस श्याम नगर की जो महाराज थे वो थे श्यामानंद, और वृद्ध अवस्था में तो ये थे ही। श्यामानंद जी को दो चीजें बहुत पसंद थी, एक पसंद था इन्हें शिकार और एक इन्हें पसंद था दंगल, और दंगल कुश्ती। कहीं आप लोग सोचे कि आमिर खान साहब की फिल्म इस समय भी चल रही है, तो कुश्ती इन्हें बहुत पसंद थी। श्याम नगर मेले में लुट्टन सिंह आते हैं और श्याम नगर मेले में कुश्ती हो रही थी और एक व्यक्ति वहां पर खड़ा था जिसका नाम था चांद सिंह, जिसे नाम क्या दे दिया गया था, शेर का बच्चा। शेर का बच्चा इसको क्यों नाम दिया गया था वो मैं आपको बताता हूं। शेर का बच्चा इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि अपने जमात के यानी कि अपने जो है आयु के और अपने समकक्ष जो पहलवान थे उन सभी को चांद सिंह ने हरा दिया था, इसीलिए इसे शेर का बच्चा जो है ये उपाधि दे दी गई थी। और देखिएगा, शेर का बच्चा किसे कहा गया, चांद सिंह को। याद रखिएगा, आगे चल के जो है आप देखेंगे कि लुट्टन जो है उसको मिट्टी का शेर कहा जाएगा। चांद सिंह के जो गुरु हैं उनका नाम भी बादल सिंह है। अब जो है वो खुली चुनौती देता है कि किसमें सामर्थ्य है जो आकर के चांद सिंह यानी कि शेर के बच्चे को हरा दे। श्याम नगर के महाराज देख रहे हैं कि श्याम नगर की इज्जत अब श्याम नगर वासियों में है और किसी में हिम्मत नहीं है, और लुट्टन जो है वो देख करके उत्साहित हो चुका है। लुट्टन कहता है कि मैं लड़ूंगा। अब लुट्टन चांद सिंह के साथ, अब जब लुट्टन को जो है महाराज बुलाते हैं, उसको 10 रुपए देते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा बेटा, लेकिन ये कहता कि महाराज मर जाएंगे हम, अपनी जान दे देंगे महाराज। तो फिर इसको जो है कि चलो भाई तुम भी लड़ लो। जब लड़ने आता है तो पूरा प्रसंग बुक में बताया गया है कि लुट्टन जो है ढोलक की आवाज को, याद रखिएगा ढोलक जो है उसको ही लुट्टन अपना गुरु मानता है, ढोलक की आवाज को लुट्टन अपना गुरु मानता है। उस पर दो चाल जो ताल उस पर चल रही है, चटदा गिरदा या चटाक चटदा धाक त्रिकट, इस तरह की जो पंक्तियां वहां हैं उनको ध्यान रखिएगा। देखिए फणीश्वरनाथ रेणु की खासियत उभर करके आती है कि फणीश्वरनाथ रेणु जो है वो जो आप ये पढ़ रहे हैं चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इसके अंदर भी संगीत घोल देते हैं। ये इनकी एक खास आप देखेंगे कि विशेषता यहां पर है। फणीश्वरनाथ रेणु गद्य में भी संगीत घोल देते हैं। गद्य माने ये चैप्टर्स। क्योंकि यहां देखिए आप किस चैप्टर के अंदर इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग करके, इन पंक्तियों का प्रयोग करके एक लयात्मकता यहां पर उत्पन्न की गई, संगीत यहां पर घोला गया। वो पूरा प्रसंग आप पढ़ेंगे कि लुट्टन सिंह के साथ कोई नहीं था, लुट्टन केवल ढोलक की आवाज को अपना वो मानते हुए और कर रहा था, और आखिरकार लुट्टन ये चांद सिंह को हरा देता है। मुहावरे बहुत अच्छे से प्रयोग किए गए हैं इस चैप्टर में। अब जैसे ही लुट्टन इसको हराता है, लुट्टन महाराज के पास जाता है, महाराज को उठा लेता है कि महाराज देख लीजिए हमने जो है श्याम नगर की इज्जत बचा ली। तो महाराज भी कहते हैं कि तुमने मिट्टी की लाज रख ली। याद रखिएगा, मिट्टी की लाज रखना यानी कि श्याम नगर की इज्जत तुमने बचा ली। क्योंकि ये जो थे चांद सिंह और ये बादल सिंह और ये बाकी सब ये पंजाब से थे, तो इन्होंने कहा कि आज तुम्हारी वजह से जो है मिट्टी यानी कि श्याम नगर की लाज बच गई है, इसीलिए लुट्टन क्वेश्चन बन जाए कि लुट्टन के लुट्टन सिंह बनने का सफर किस तरह का था, वो भी एक बड़ा प्रश्न है जिसमें लुट्टन के बचपन की बातें आप बताएंगे। तब महाराज इसको नाम देते हैं लुट्टन सिंह। अब हालांकि उनके आसपास की देखिए उस समय की सामाजिक रूढ़िवादिता को तो दिखाया गया है, लोग कहते हैं कि महाराज ये तो छोटी समझे जाने वाली जातियों से है, और लेकिन महाराज कहते हैं कि नहीं, इसने काम क्षत्रियों वाला किया है, इसने लड़ाई की है, इसने विजय प्राप्त की है, इसलिए इसका नाम लुट्टन सिंह होगा और अब से ये शाही दरबार में पहलवान होगा। लुट्टन सिंह का खर्च अब खाना वाना सब कुछ वहीं से मिलेगा। लुट्टन के
अब लुट्टन जो है वो मेहनत करना शुरू करता है, लुट्टन और लोगों को भी हराता है। अब लुट्टन का जो मुकाबला होता है एक और पहलवान है काला खां, काला खां से भी का होता है, लेकिन इसे भी जो है लुट्टन मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा देते हैं। देखिएगा किस तरह के मुहावरे प्रयोग किए गए, मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा देना। मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा देने का मतलब है पराजित कर देना। याद रखिए एक सेंटेंस कि लुट्टन सिंह ने अपने समय के सभी पहलवानों को हरा कर और जो है अपना नाम, अपनी यश, अपना कीर्ति हर जगह फैलाया। और एक ये कि अजय लुट्टन सिंह ने अपने समकक्ष सभी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। आप खुद समझ के देखिए आपको कौन सी अच्छी लाइन लगी। आपको सेकंड वाली अच्छी लगी तो इसका मतलब है कि आप देखिएगा, गद्य में भी संगीत वाली बात है कि आप जो है रसिकता पैदा करें, जब पढ़ें तो उसको मजा आए कि यार क्या लिखा है इस बच्चे ने। तो काला खां को भी हरा दिया इन्होंने। अब क्या होता है कि पहलवानी करते हैं, बहुत अच्छा सा काम होता है, इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है। लुट्टन सिंह के दो बेटे हैं और दोनों भावी पहलवान घोषित किए जा चुके हैं राज दरबार में, तो वो भी वहीं पर खाते पीते हैं, वहीं पर रहते हैं। लुट्टन उनको शिक्षा देते हैं, लुट्टन उनको कहते हैं कि आप जब भी जाएं तो सबसे पहले आप ढोलक को प्रणाम करें, क्योंकि मेरा गुरु कोई नहीं है, मेरा गुरु ढोलक है। सांसारिक बातें भी उनको समझाते, एक पिता अपने पुत्र को जो समझाता है वो सब कुछ लुट्टन उनको समझाते। अब देखिए गड़बड़ कहाँ होती है। गड़बड़ ये है कि महाराज श्यामानंद का स्वर्गवास हो गया 15 साल बाद, और महाराज श्यामानंद के जो बेटे आए बाहर से, जो विलायत में पढ़ रहे थे, जब राजकुमार वापस आए तो उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने ये जो कुश्ती थी ये सिस्टम बंद किया। देखिएगा सत्ता के बदल जाने से, जैसे ही जो है शासन बदलता है तो उससे चीजें बदल जाती हैं। महाराज को ये चीज पसंद थी, कुश्ती पसंद थी, शिकार पसंद था, दंगल पसंद था, ये चीजें, तो महाराज ने इनको प्रोत्साहित किया। लेकिन अब महाराज के बेटे जो हैं, यानी कि युवराज जो है, जो अब राजा बनेंगे, युवराज को पसंद है घोड़ों की रेस, घोड़ों की दौड़ उनको पसंद है। अब उन्होंने क्या किया, मैनेजर को बुलाया और पूछा कि क्या सिस्टम चल रहा है, ये लोग, इन लोगों को भगाओ यहां से। तो उनका जो खर्च, उसने बताया कि महाराज इनका प्रतिदिन इन 3 लोगों का, ये दानवों की तरह खाते हैं, ये इनका खर्च है। तो उनका निकालो इनको, निकाल दिया। अब लुट्टन गांव में वापस जाते हैं, अपने गांव में, गांव के लोग उनके सम्मान में जो है लुट्टन को बाहर एक कुटिया दे देते हैं। हालांकि अब जब लुट्टन जो है बाहर की तरफ एक कुटिया उनको दे दी गई तो अपना खाने पीने की बात आई तो गांव वालों ने कहा कि हम सब मिलकर के आपको खाना दे देंगे, ठीक है। लुट्टन ने एक अपनी जो है कुश्ती के लिए ही एक अखाड़ा टाइप बना लिया उसको। गांव के लोग वहाँ, गांव के जो युवा थे वो कुश्ती खेलने आते, सीखने आते। लेकिन सोचने की बात है, एक किसान का बेटा, एक गरीब मजदूर का बेटा कब तक कुश्ती करता, कहाँ से वो कुश्ती जैसी खुराक खा पाता। धीरे धीरे अंत तक केवल दो इनके बेटे जो थे वो ही बचे। लुट्टन सिंह अब बहुत परेशान भी थे कि लुट्टन भले ही जो है शरीर से पहलवान थे, बहुत कुछ था, लेकिन लुट्टन दिमाग से जो है वो बच्चे जैसे ही थे। वो मेले में चले जाते, मेले में जो है चश्मा डाल लिया उन्होंने, बच्चों जैसा खिलौने लेकर के आ रहे हैं, इस तरह की बातें थी। अब गड़बड़ क्या होती है, हम उस गड़बड़ को यहाँ पर देखते हैं कि क्या समस्या अब सामने आती है। अब उनके गांव में आती है 3 मुख्य समस्याएं। सबसे पहले तो बारिश नहीं होती, सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बारिश ना होना, अनावृष्टि उसको बोला जाता है, अनावृष्टि, याद रखिएगा, अनावृष्टि हो जाती है, बारिश नहीं होती है। अब देखिएगा जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, अन्न की कमी होगी, फसल नहीं होगी, ठीक है यहां तक भी। दूसरी जो दिक्कत आती है, दो महामारी आ जाती है, और वो दो महामारी हैं मलेरिया और हैजा। मलेरिया और हैजा दो महामारी आ जाती हैं इस समय, और सारा गांव इनकी चपेट में, क्योंकि उस समय तक जो है इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था।
साइंस का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि डॉक्टर वगैरह हो, इनको बचाया जा सके, उस समय आप देखेंगे हैज़ा एक बहुत बड़ी बीमारी होती थी। अब लोगों का लोग दो दो तीन तीन लोग मरने लग गए हैं दिनों में, लोग एक दूसरे को जो है ढांढस बांध रहे हैं कि हिम्मत रखिए। रात्रि के समय का दृश्य जो है वो शुरू में ही दिखाया गया, बड़ा मार्मिक दृश्य। उन्होंने कहा कि पूरा गांव सन्नाटे से युक्त है, पेचक की डरावनी आवाज़, यानी कि एक जानवर है उसकी आवाज़ आ रही है, सियार जो है उनके रोने की आवाज़ आ रही है, सब अपशगुन दिखाए गए। माहौल बहुत ख़राब हो चुका है गांव का, माँ अपने सामने अपने बच्चों को जो है दम तोड़ते हुए देख रही हैं, उनके मुंह से आखिरी बार बेटा तक नहीं निकल पा रहा है और बच्चे माँ माँ करते हुए मर जाते हैं। एक पत्नी अपने पति को मरते हुए देख रही है, बाप बेटे को मरते हुए देख रहा है, बहुत हालात जो है खराब होते जा रहे हैं। लोगों का विश्वास, लोगों की हिम्मत पूर्ण रूप से टूट चुकी है। और ऐसे में रात्रि के समय जो है लुट्टन सिंह के ढोलक की आवाज आती है, और ये ढोलक की आवाज एक संजीवनी की तरह काम करती। क्वेश्चन बनता है यहां पर संजीवनी वाला। लुट्टन सिंह का जो ढोलक है, लुट्टन सिंह शाम से लेकर सुबह तक आए थे, चटाक चटदा लगा कर लगे हुए हैं। अब लुट्टन सिंह क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि लुट्टन सिंह की इस ढोलक बजाने से, देखिए ढोलक से ऐसा थोड़ी बीमारी ठीक हो गई या कोई आदमी मरेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहां संजीवनी का अर्थ है कि मरते समय जब लोग वो आवाज सुनते हैं तो उनके सामने वही कुश्ती का एक मनोरम उत्साहित कर देने वाला दृश्य सामने आता है कि सब लोग जोश से चिल्ला रहे हैं कि तुम जीतोगे और कुश्ती हो रही है। तो सहज मृत्यु, मृत्यु का भय नहीं होगा उस समय, सहज मृत्यु आ जाएगी, यानी कि तकलीफ नहीं होगी। इस तरह की इस बात का प्रयोग किया गया कि ढोलक की आवाज से ये बात होती है। लुट्टन सिंह का हर रोज का यही है। इतनी हालात खराब हैं कि लोगों को जलाने की बजाय नदी में बहा आए हैं। नदी में कफन की कमी पड़ चुकी है, देखिएगा कितने स्थिति खराब हो चुकी है। उसके साथ साथ अब लुट्टन सिंह के जो दो बेटे हैं, एक दिन क्या होता है कि उन दोनों की भी हालत खराब है। लुट्टन को पता है कि अब ये लोग जीवित नहीं रहेंगे, ये चटाक चटधा वाली जो है ताल की मांग करते हैं कि पिताजी वो गाइए। लुट्टन जोश में वो गाना शुरू करते हैं। लुट्टन जानते हैं कि आज मेरे पुत्रों की मृत्यु हो जाएगी और सुबह तक दोनों मृत पाए जाते हैं। देखिएगा पेट के बल ये बहुत आएगा, पेट के बल मतलब सीधे नहीं, जैसे आप सीधे लेट जाते हैं ऐसे नहीं, उल्टे लेटे हुए हैं, उनकी जो है पीठ ऊपर है, क्योंकि पहलवान की पीठ जमीन पर हो, इसका मतलब वो चित्त हो गया, वो हार गया, और हारा तो ना लुट्टन के बेटे। लुट्टन सुबह उठते हैं, कसरत करते हैं अच्छे से, और लुट्टन अपने बच्चों को उठा करके अपने कंधों पर और जा करके नदी में बहा आते हैं। लोग ये देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यार इसका तो डेढ़ हाथ का कलेजा है, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, अपने दो जवान बेटों को कंधों पर रख के नदी में डालाया। लुट्टन अपने साहस नहीं खोते हैं, लुट्टन उस रात भी ढोलक बजाते हैं। देखिए लुट्टन से ये बात है कि कहीं ना कहीं जीवन की कुछ सच्चाइयां हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना होगा कि हाँ ये सच है, ऐसा होगा ही होगा, हमें उन चीजों से परेशान नहीं होना है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि लुट्टन की खुद की मृत्यु हो जाती है, उस दिन आवाज नहीं आती है ढोलक की। अगले दिन लुट्टन के कुछ और जो शिष्य जाकर के देखते हैं तो लुट्टन भी पेट के बल थे, और वो उन्होंने याद किया कि लुट्टन ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे सीधे मत लेटाना, क्योंकि लुट्टन सिंह कभी हारा नहीं, वो कभी चित्त नहीं हुआ, तो मुझे पेट के बल रखना और जब मुझे जलाया जाए तब मेरे लिए ढोलक बजा देना। ये पहलवान की ढोलक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, पढ़ने लायक चैप्टर है, और आपको इसे पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और इसके बाद अब हम देखते हैं अपना अगला चैप्टर जो कि रजिया सज्जाद जहीर के द्वारा लिखा गया है, नमक। देखिएगा अब जो चैप्टर है रजिया सज्जाद जहीर,
इनके द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है नमक। ये नमक जो है, ये चैप्टर देखिएगा, इस चैप्टर में पार्टीशन से यानी कि विभाजन से रिलेटेड बातें इस चैप्टर में की गई हैं। कहानी है, विधा जो है इसकी कहानी। देखिएगा तीन चार पात्र हैं इसमें, उन पात्रों को समझते हैं। देखिए एक है सिख बीबी, एक है सफिया और एक है कस्टम अधिकारी पाकिस्तान में और एक है सुनील दास गुप्त और ये भारत का कस्टम अधिकारी है। जब आप बॉर्डर चेंज करते हैं तो कस्टम वाले चेक करते हैं, कस्टम डिपार्टमेंट चेक करता है कि आप क्या चीजें इधर उधर कर रहे हैं, स्मगलिंग वगैरह तो नहीं कर रहे। देखिए ये जो सफिया है ये लखनऊ की है और विभाजन के समय इसका परिवार जो है, इसके माता पिता और इसके जो भाई वगैरह थे वो कहाँ चले गए थे, वो चले गए थे लाहौर पाकिस्तान में, ये नहीं गई, ये दिल्ली में है अपने शोहर के साथ। सिख बीवी लाहौर से थी, बंटवारे के बाद दिल्ली आ गई। ये कस्टम अधिकारी पाकिस्तान वाला, ये लाहौर में है लेकिन ये है कहाँ का, दिल्ली का। ये सुनील दास गुप्त है तो भारत में, जो अटारी बॉर्डर के पास है, भारत में है लेकिन ये कहाँ का है, मूलतः ढाका का। और ये लोग मूलतः जहां से हैं उस जगह को अपना वतन मानते हैं। सिख बीवी रह रही है दिल्ली में लेकिन सिख बीवी लाहौर को अपना वतन मानती है कि हम तो लाहौर से हैं, लाहौर हमारा वतन। कस्टम अधिकारी जो पाकिस्तान में है, लाहौर में है लेकिन वो है दिल्ली का, इसलिए वो दिल्ली को अपना वतन मानता है। सुनील दास गुप्त ढाका से है, भारत में अब काम कर रहा है लेकिन वो ढाका को अपना वतन मानता है। अब देखते हैं हम क्या पूरा स्टोरी है। देखिए बस इतना ही था, अब तो सीधा सीधा हो जाएगा। सफिया एक दिन किसी सत्संग में जाती है, वहां वो सिख बीवी को बैठी हुई देखती है दिल्ली में। उस सत्संग में जब वो पता चलता है, सिख बीवी आप वहां पर इनकी माँ जैसी इनको दिखाई देती है, उनका जो है उनका शरीर भारी भरकम शरीर है, उनकी छोटी छोटी आंखें हैं, तो सफिया जो है एक पल के लिए ऐसा देखती रह जाती है कि कितनी मेरी माँ जैसी दिखाई देती है ये। जब बार बार वो उनको देखती है तो सिख बीवी अपने पास बैठे लोगों से पूछती है कि ये कौन है, वो बताती है कि ये लाहौर से है, ठीक है। और लाहौर से जब है तो सफिया ने इनसे बातचीत की, बात किया तो लाहौर के बारे में जब बात की तो सिख बीवी उनको बताती हैं कि लाहौर बड़ा अच्छा है, लाहौर में जो है नफीस कपड़े, बहुत उन्नत क्वालिटी के वहाँ पर कपड़े आपको मिलेंगे, बहुत अच्छा खाना वहाँ का है। मतलब लाहौर को वो कहती हैं साड़ा लाहौर, कि कितना अच्छा लाहौर है। सिख बीवी को पता चलता है कि सफिया लाहौर जाने वाली हैं, वो उनसे रुख्सत लेती हैं, जाती हैं। सफिया उनसे पूछ लेती है कि अगर आपको कुछ मंगवाना हो लाहौर से तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी कोई मदद कर पाऊँ। सिख बीवी देखती हैं, सोचती हैं, कहती हैं कि थोड़ा नमक ले आना, नमक। तो सफिया जो है वो कहती हैं ठीक है हम नमक ले आएंगे। लाहौर जाती हैं, 15 दिन वहाँ रुकती, पता नहीं कैसे 15 दिन बीत जाते हैं। देखिए आप जब कहीं भी आप घूमने जाएँ तो वहाँ पता नहीं चलता कि समय कितना जल्दी निकल जाता है। अपने लोगों के साथ जब हम होते हैं तो अपनों के साथ समय का पता नहीं लगता, समय के साथ अपनों का पता लगता है। तो अपने भाइयों के साथ वहाँ पर हैं, इनके जो भाई के लड़के हैं, भतीजे हैं, वो इनसे कहते हैं कि फूफी जान आप क्यों हिंदुस्तान में रहते हैं, वहाँ तो हम आ जा नहीं सकते ऐसे, आप यहीं पर रह जाइए। लेकिन सफिया जो है वो भारत वापस आती हैं। सफिया के एक बड़े भाई जो हैं वो पुलिस में अधिकारी हैं। सफिया उनसे कहती है कि भैया ऐसी ऐसी बात है और मैंने माँ से वादा किया है कि नमक लेकर आऊँ। तो कहते हैं माँ, हमारी माँ की तो मृत्यु विभाजन के समय ही हो गई थी, तो वहाँ माँ का जो मतलब है कि मैंने माँ को वादा किया है
वो माँ शब्द प्रयोग किया गया है सिख बीवी के लिए। उनके भाई इनको कहते हैं कि नहीं, आप नमक नहीं ले जा सकती हैं क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। तो कहते हैं कि कानून तो हुकूमत के होते हैं, प्यार मोहब्बत इंसानियत आदमियत के थोड़ी कानून होते हैं। वो कहते हैं कस्टम वालों को मैं बता दूंगी कि मैं ये लेकर के जा रही हूँ और उनसे पूछ करके मैं ले जाऊंगी। तो उनके भाई उनको कहते हैं कि कस्टम वाले आपको नहीं ले जाने देंगे। तो ये उनसे कहती हैं कि यार ऐसा तो नहीं होगा, वो भी तो इंसान है, कोई मशीन थोड़ी है। इस तरह की बातें जब होती हैं तो इनके भाई एक बड़ी अच्छी बात इनको कहते हैं कि मान लिया कि वो मशीन नहीं है, वो इंसान है, पर यकीन मानिए वो शायर भी नहीं है कि आप किस तरह की बातें मानेंगे, कानून के हिसाब से चलेंगे। अब बातें चलती हैं लेकिन इनका मन है कि वो लेकर के जाएंगी 1 किलो की जो है एक बादामी रंग की एक पोटली है, उसमें 1 किलो नमक उन्होंने डाला है। और एक इनके किसी बहुत खास ने इनको कीनू गिफ्ट दिए। कीनू, कीनू समझते हैं आप? कीनू जो है संतरे जैसा होता है लेकिन बाहर से वो जो है हरा दिखता है, खट्टा उसका टेस्ट होता है। कीनू दिए और इसको क्या कहा, भारत पाकिस्तान की मोहब्बत का मेवा है ये। तो कीनू की एक टोकरी है। अब वो सोचती हैं यार मैं कैसे ले जाऊं। एक तरफ उनका मन करता है कि मैं कस्टम वालों से पूछ करके ले जाऊंगी, फिर वो सोचती है नहीं इससे पार नहीं पड़ेगी, समझदारी दिखाती हैं, शाम को पैकिंग वैकिंग कर रही होती हैं, मार्च का महीना चल रहा है, तो ये क्या करेंगी कि इस टोकरी के अंदर इसको छुपा लेती हैं। और इसको छुपा लेती हैं, अच्छे से दब जाती हैं, चले जाती हैं। जब इनके भाई इनको छोड़ने जाते हैं, फर्स्ट क्लास की इनकी टिकट करवा देते हैं, सब कुछ सही हो जाता है सब। अब इन्होंने क्या किया कि इनके मन में विचार आया कि मोहब्बत का कि ये जो है मोहब्बत का तोहफा है, और मोहब्बत का तोहफा छुपा कर नहीं दिया जाता, खुलेआम अब इसको ले जाना चाहती हैं। अब देखिए आप इनको, इन्होंने टोकरी से निकाला और अपने बैग में डाल लिया, सब सेटल हो गया था। फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा, जा रही थी कस्टम अधिकारी से इन्होंने जाकर के कहा कि साहब मेरे पास ये चीज़ें। वो इनको ले जाते हैं, बैठाते हैं और इनको कहते हैं कि कोई बात नहीं कि जो है मोहब्बत के जो तोहफे हैं वो कस्टम से इस तरह निकल जाते हैं कि कानून देखता रह जाता है। तो देखिएगा, इंसानियत को, मोहब्बत को ऊपर रखा गया। और वो मोहब्बत किस तरह की है, वो अपने वतन से मोहब्बत की बात की गई है, यहाँ देश प्रेम की बात की गई है, यहाँ ममत्व की बात की गई है, यहाँ वो मोहब्बत नहीं है जो आप समझ रहे हैं। कस्टम अधिकारी भी कहते हैं कि आप जब उनसे मिले सिख बीवी से तो उन्हें कहिएगा कि लाहौर आज भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो इस तरह की बात है कि देखिएगा, बंटवारा हो गया लेकिन कुछ राजनीतिक बंटवारा हुआ, जमीनी बंटवारा हुआ, लेकिन अभी भी लोगों के जो मन में है वो बंटवारा नहीं हुआ है। हालांकि कुछ लेखकों ने कहा पार्टीशन को कि इट वॉज नॉट अ डिविजन ऑफ लैंड, इट वॉज अ डिविजन ऑफ हर्ट्स, दिलों का बंटवारा था ये, लोगों ने एक दूसरे को मार काट दिया। लेकिन यहाँ पर देखा तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी उस जगह को अपना वतन समझते हैं। लाहौर से निकलती हैं, अटारी बॉर्डर पर अमृतसर शुरू होता है। वो कहती हैं कि यार एक सा पहनावा, एक से रहन सहन, एक सा जो है खान पान और गालियाँ भी एक जैसी। पता नहीं कब लाहौर ख़त्म हुआ और कब अमृतसर शुरू, कब पाकिस्तान की फौज नीचे उतरी यानी कि उनकी पुलिस नीचे उतरी, कब भारत की ऊपर चढ़ी। और भारत के जो कस्टम अधिकारी हैं सुनील दास गुप्त, ये ढाका से हैं, इनको बताती हैं सारी कहानी की इस तरह से ऐसे ऐसे हुआ, कस्टम अधिकारी ने मुझे अलाउ किया। ये इनको ले जाते हैं, एक जगह बैठाते हैं, चाय वाय पिलाते हैं और इनको कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक किताब भी दिखाते हैं शमशुइल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्त को, जो है एक प्यार भरी भेंट, 1946 ढाका। यानी कि ये बताते हैं कि मैं ढाका से हूँ मैं भी और ढाका मेरा वतन है। चाय की चुस्की लेते हैं, कहते हैं डाब एक खास तरह की घास होती कि वो घास तो कलकत्ता में भी उगती है लेकिन ढाका की बात अलग है। तो पूरा चैप्टर आसान चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बस इसी पैटर्न में हम देखें। ये 4 लोगों को हमने देखना था और हमने ये पैटर्न देखना था बस। आप इस चैप्टर में जो है ये थोड़ा सा आपकी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए है कि आप क्या सोचेंगे। आपको लिखना इस तरह से होगा आंसर कि पढ़ने वाले को जो है ममता दिखेगा। कुछ शब्द जो है मोहब्बत का तोहफा, उनकी मोहब्बत का जो है मेवा उसको कहा गया है, और क्या कहा गया है कि मोहब्बत के तोहफे तो कस्टम से इस तरह निकल जाते हैं कि कानून देखता रह जाता है। तो इस चैप्टर में खास तौर से आप
ध्यान दें शब्दों पर। ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो है वो हमारा कि मेरी श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। गद्य भाग में जो हमारा आखिरी चैप्टर है वो जाति एवं श्रम विभाजन और एक तरीके से दो हैं मेरी कल्पना का आदर्श समाज। 1936 में लाहौर में एक जाति पाति तोड़क मंडल यानी कि जातियों को समाप्त कर देने वाला एक मंडल था, उसकी एक जो है एनुअल मीटिंग चल रही थी, वार्षिक सम्मेलन था। वहां पर डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने, देखिएगा अंबेडकर किस तरह से लिखा जाता है, अंबेडकर है ये, आप अंबेडकर ना लिखे हिंदी में। तो वहां डॉक्टर बी आर अंबेडकर एक स्पीच देते हैं जिसको नाम दिया गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और ललाई सिंह जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया और उसी से इस पाठ को लिया गया है। देखिएगा जाति और श्रम विभाजन की बात है तो आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जातियों को जो है बढ़ावा देते हैं, इस विभाजन को बढ़ावा देते हैं। उनका जो तर्क है वो ये है कि एक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए जो है आप श्रम विभाजन यानी कि काम का विभाजन जो है उसका होना जरूरी है कि ये लोग ये काम करेंगे ये लोग ये काम करेंगे। और श्रम विभाजन का दूसरा नाम ही जाति है तो जातियों में क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत है, आप श्रम विभाजन कीजिए कार्य कुशलता पर, लेकिन आपने यहां पर एक जाति का टैग लगा दिया। भाई कोई आदमी किसी काम को करने में कुशल है तो वो व्यक्ति वो काम करे, जाहिर सी बात है बहुत अच्छी बात है, श्रम का विभाजन हो गया। लेकिन किसी ए जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति वही काम करेगा जो उस ए जाति के लोगों को करने के लिए कहा गया है समाज के द्वारा, भले ही वो उसमें अपने आप को जो है पारंगत पाता हो या ना पाता हो। साथ ही साथ आप श्रम विभाजन के साथ देखें तो आपने श्रमिक विभाजन भी यहां पर कर दिया है, श्रमिक का विभाजन भी आपने कर दिया है इस तरह से कैटेगराइज करके आपने कि ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये शूद्र हैं, ये वैश्य हैं। तो आप देखिएगा बहुत सारे, आप देखेंगे हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल मिले कि बहुत सारे ब्राह्मण क्षत्रिय बने, ब्राह्मण रूलर्स बने, ब्राह्मण राज नहीं कर सकते लेकिन उन्होंने किया। लेकिन इन लोगों का मानना है कि आपकी जाति को आपके संप्रदाय को जो काम दिया गया है समाज के द्वारा आप वही करेंगे। ऐसे में कार्य कुशलता ना होकर के श्रम विभाजन ना होकर के ये श्रमिक विभाजन होता है। आपने लोगों को बांट दिया है काम के अनुसार, आपने जो है इन लोगों को भले ही इसमें कंफर्टेबल हो ना हो, आता हो ना आता हो, फिर भी आपने इन लोगों को मजबूर कर दिया ये काम करने पे। तो ये एक अस्वाभाविक विभाजन है और किसी देश में ये नहीं मिलता कि जाति के आधार पर कार्य जो है आपने बांट दिया है, इस तरह से ये उचित नहीं है। साथ ही साथ इनके ऊपर ये फिक्स कर दिया गया है तो भारत के आर्थिक विकास में भी इसका नुकसान हुआ है। धीरे धीरे जो है तकनीक बदली लेकिन लोगों को अधिकार नहीं है कि वो अपना पैतृक धंधा बदल लें, भले ही इसके बदले चाहे वे भूखे मर जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बदल नहीं सकते। आपको वही करना होगा जो आपकी जाति के लोगों को करने के लिए कहा गया है। इनकी कोई रुचि के ऊपर, इनके अपने इंटरेस्ट के ऊपर ना होकर के एक समाज द्वारा बनाई गई परंपरा को इन्हें मानने पर मजबूर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इनको बहुत दिक्कत होती है। यह अपना धंधा बदल नहीं सकते हैं चाहे कितनी ही बड़ी दिक्कत हो। और ऐसे में जब व्यक्ति की उसमें रुचि नहीं है यानी कि अरुचि से काम करेगा तो वो टालू काम करेगा, ऐसा ही बस ठीक है हो जाएगा, काम कर लिया नहीं किया, ऐसे में वो काम अच्छे से नहीं होगा। तो यहां पर ये कहा गया कि श्रम विभाजन करें, आप श्रमिक विभाजन ना कर दें,
आप रुचि के आधार पर, आप कार्य कुशलता के आधार पर विभाजन कर दें कार्य का, आप जाति के आधार पर विभाजन ना करें, आप किसी के पैतृक धंधे को ही उसका जो है ऐसा ना हो कि सभी को वही करना पड़े। दूसरा पार्ट जो है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। देखिएगा मेरी कल्पना का आदर्श समाज जो है उसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, केवल तीन बातें देखने को हमें मिलेंगी जो कि बी आर अम्बेडकर साहब ने लिखी यहाँ पर, कि तीन चीज़ें होनी चाहिए मेरे आदर्श समाज में। और पहली जो चीज़ है वो है भाईचारा या भ्रातरता, दूसरी जो चीज़ है वो है स्वतंत्रता, और तीसरी जो चीज़ है वो है समता, यानी कि समानता। क्वेश्चन समानता वाले से बनेगा। देखिएगा यहाँ भाईचारे में क्या मतलब है, भाईचारे से मतलब है उनका कि आप लोगों के बीच में जो है एक ऐसा घुला मिला वो होना चाहिए जैसे दूध में पानी डाल दिया जाता है, आप दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते ऐसे, तो ऐसे ही सभी लोग मिलकर के रहें, एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहें, बंधुता से रहें, जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर एक दूसरे से मतभेद ना रखें, इस तरह की बात की गई। स्वतंत्रता का मतलब देखिएगा, स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको दासता से तो मुक्ति मिले लेकिन इस दासता का अर्थ भी बदल दिया, इस दासता का अर्थ केवल और केवल शारीरिक आजादी नहीं है बल्कि दासता वो स्थिति है जब आप किसी और व्यक्ति के द्वारा बताए गए निर्णय माने, किसी और व्यक्ति के द्वारा सेट किए गए रूल्स के अंदर रहकर के काम करें, तो ऐसी स्थिति को भी दासता कहा गया, माने आप सामाजिक रूप से जो करना चाहते हैं वो करें आप, क्योंकि समाज ने ये चीज तय कर दी है और इसलिए आप उस चीज को किए जा रहे हैं, वो भी दासता के अंदर आएगा। किसी अन्य व्यक्ति की बात मानकर के अपना जीवन जीना भी दासता है, तो ऐसे में उन्होंने बात की इस दासता से भी स्वतंत्रता की उन्होंने बात की। समता समानता, देखिए वो कहते हैं कि किन्हीं भी व्यक्तियों के बीच में जो भेद है उसके तीन कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण जो है वो है शारीरिक, वंश, परंपरा। दूसरा कारण जो है वो है सामाजिक, उत्तराधिकार। और तीसरा जो है वो है मनुष्य के अपने प्रयत्न, अपने प्रयत्न। देखिएगा अब जो बात है वो देखने की, वो कहते हैं कि किस तरह से किस वंश में उसने जन्म लिया या क्या सामाजिक उत्तराधिकार, यानी कि समाज में उसके माता पिता के द्वारा जो काम किए गए उसी आधार पर समाज में क्या स्थिति है। यदि उसके माता पिता ने बहुत उच्च कार्य किए होंगे तो समाज में उनका सम्मान होगा, कैसी शिक्षा दीक्षा उसको प्राप्त होती है, उन सब आधारों पर है। देखिएगा मनुष्य के अपने प्रयत्न को साइड में रखें तो इन दो आधारों को देखा जाए, सिर्फ पहले इन दो को देखा जाए तो इस आधार पर तो वो व्यक्ति जो उच्च कुल में पैदा हुए हैं, यानी कि ऊंचे समझे जाने वाले कुलों में, ऊंची समझे जाने वाली जातियों में पैदा हुए हैं, वही आगे जाने के हकदार हैं। तो वो बी आर अम्बेडकर साहब कहते हैं कि इन दो चीज़ों को नहीं देखना हमें, हमें देखना है मनुष्य के अपने प्रयत्न, वो कहाँ पैदा हुआ, किस कुल में पैदा हुआ, किस जाति में पैदा हुआ, किस धर्म में पैदा हुआ, ये ना देखते हुए हमें मनुष्य के अपने प्रयत्नों को देखना चाहिए कि मनुष्य ने अपने लेवल पर क्या काम किया। आप देखें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो निम्न समझे जाने वाली जातियों में पैदा हुए लेकिन उनके कर्म बहुत ऊंचे हैं। आप ऐसे भी बहुत सारे देखेंगे जो किसी अन्य धर्म में पैदा हुए, अगर आप भारत में देखें तो आप देख सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप APJ अब्दुल कलाम साहब को देखें और उनके कार्यों को देखें, वहीं आप कसाब को देखें, दोनों का धर्म एक था, मजहब एक था, लेकिन एक कहाँ थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के लोगों के लिए जो है कितनी बड़ी प्रेरणा है, भारत के लोग उनका कितना सम्मान करते हैं, और भारत में ही क्यों पूरे देश पूरी दुनिया में उनका सम्मान है।
तो मनुष्य के अपने प्रयत्नों के आधार पर आधारित करना हमें ये निर्णय करना होगा कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। कोशिश करेंगे हम सभी को समानता, और समानता किस आधार पर, समानता आप कहते हैं इन दो आधारों पर तो बनी नहीं सकती कभी, तो इस आधार पर आप देखें। साथ ही साथ वो कहते हैं कि समता बहुत व्यवहारिक जीवन में भी आपके काम की चीज है। मान लीजिए कोई नेता है, उस नेता से अनेक धर्म जाति संप्रदाय कुल वंश के लोग जाकर के मिलते हैं, तो ऐसे में वो अलग अलग व्यवहार ना करता हुआ सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, हाँ जी आपका काम हो जाएगा बाद में नहीं हुआ, तो इस तरह की बात यहाँ पर की गई। देखिए ये चैप्टर भी खत्म हो गया, हमारे चैप्टर सारे खत्म हो गए हैं, गद्य भाग समाप्त हो गया है आरोह का। आरोह का गद्य भाग बहुत आसान है, केवल बार बार पढ़ने की जरूरत है, बार बार पढ़ेंगे वही शब्द दिमाग में आ जाएंगे, उन्हीं शब्दों से आपको अपना उत्तर लेखन सही करना है। यकीन मानिएगा आप एज इट इज जब वर्ड्स को यूज करेंगे, शारीरिक वंश परंपरा सामाजिक उत्तराधिकार मनुष्य के अपने प्रयत्न, इस तरह की बात आप लिखेंगे तो अपने आप एग्जामिनर प्रभावित होगा। थैंक्स अ लॉट। अगर कोई आपके पास डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।